महाराष्ट्र मुंबई के ताज होटल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ, जहां पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अब वे पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह लेंगे। मुंबई के ताज होटल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहां 67 वर्षीय बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे, जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे। बिन्नी अपने वर्तमान कार्यकाल में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, जिसे वह अभी बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ देंगे। इस दौरान चुनावी बैठक में सचिव जैसा, पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला व कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल आदि भी मौजूद रहे।